करनाल में रोडवेज बसों की कमी दिख रही है। बसें न होने के कारण छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे भी नहीं चल रहे हैं। अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये परेशान होते बच्चे, ये परेशान होती लड़कियां, ये परेशान होती महिलाएं, ये परेशान होते यात्री। यह तस्वीर है करनाल के बस स्टैंड की। यह तस्वीरें हैं उस शहर के बस स्टैंड की जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोगों ने जिताकर सीएम बनाया है। लेकिन इलाके का क्या हाल है वह आपके सामने है। बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं पर चलते नहीं। डीवीआर ही खराब हो गया है। भला ऐसे कैमरे किस काम के जिसके अंदर रिकॉर्डिंग ही ना हो रही हो। करनाल बस स्टैंड पर पहले कई वारदातें हो चुकी है। कभी लड़कियों के साथ छेड़खानी, कभी स्नैचिंग, कभी चोरी, कभी मारपीट, फिर भी इतनी लापरवाही देखकर दिल बोल उठता है, सुभान अल्लाह क्या बात है। इतना ही नहीं, बसों में लड़कियां लटक कर अपने घर जा रही हैं। कई बच्चे तो शाम ढल जाने के बाद घर पहुंचते हैं पर रोडवेज के जीएम साहब को फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क पड़ेगा भी क्यों, वो तो अपनी एसी वाली गाड़ी में आकर दफ्तर में गद्देदार कुर्सी पर बैठकर 9 से 5 का वक्त बिताकर थके हारे घर चले जाते हैं। वाह जी जीएम साहब, कितना व्यस्त हैं आप कि जनता की सुरक्षा तक को नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर इतनी लड़कियाँ जाती है लेकिन इतना ट्रैवल करना पड़ता है, कोई डांस आता कोई नहीं जाता, तो कोई भी देखता है कि हाँ लड़की है तो चलो कोई बात नहीं, हम पहले जाने दिया कुछ। लड़के भी साथ साथ चलते फिरते हैं साथ में, बट होना चाहिए कैमराज होने चाहिए। इतने हमें रोज इतने सारे न्यूज आती है, छेड़छाड़ का कोई चक्कर है या फिर कोई बदतमीजी कर रहा है, तो सीसीटीवी कैमराज तो स्टार्ट से जाते हैं। हमने अपने लेवल पे वो दिक्कत शॉर्ट आउट कर दी। जितनी बसें जिस समय उनको बसें चाहिए थी वो बसें हमने उनको प्रोवाइड करा दी। और मेरे ख्याल से पिछले 1.25 महीने से एक सिंगल कंप्लेंट इस रूट के अंदर कोई नहीं। कैथल रूट की बात करें, असंत रूट, मुनक रूट, नहीं उसमें कैथल रूट पे भी अपने निर्धारित समय पर बसें चल रही हैं, असंत रूट पर भी चल रही हैं। और अगर कोई ऐसी शिकायत आती भी है किसी भी माध्यम से, लड़कियों के माध्यम से या कोई और अन्य सवारियों के माध्यम से, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसका समाधान करके और किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जब सीसीटीवी कैमरे काम न करने की बात स्थानीय पुलिस से पूछी गई, तो चौकी इंचार्ज इतनी मासूमियत से जवाब दिए जिसे सुनकर हर किसी की शर्म से नजरें झुक जाएंगी। और ये खासकर तफ्तीश में तो मुख्य भूमिका निभाता है। कई हमारे केस ऐसे सोल्व हुए हैं जो जिसका किसी को विश्वास भी नहीं होता था और निर्दोष आदमी केस में फंस रहा था और उस सीसीटीवी कैमरे की वजह से ही उसको अपना जो मिल चुका है उसको सही डिसीजन हो चुका है जिससे उसको फ़ायदा मिला है। तो सीसीटीवी कैमरा होना बहुत ज़रूरी है जी। और करीब यहाँ 7,000 के करीब स्टूडेंट आते हैं जो ट्रेनिंग सेंटर, ये अपना कोचिंग सेंटर भी है और कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सभी से आते हैं और काफ़ी ज़रूरत है सीसीटीवी कैमरे की, मुख्य भूमिका है हमारी तफ्तीश के दौरान। अरे साहब, तो अभी तक किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। बहरहाल जीएम रोडवेज ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर जल्द ही ठीक करवा लिया जाएगा और बसों की संख्या बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। टोटल टीवी के लिए करनाल से विकास महला की रिपोर्ट।